शुक्रवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 14 मई को होने वाले लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभा के कार्यक्रम को लेकर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के बाद द्वितीय कार्यकाल का पहला लोकार्पण सर्किट हाउस स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। महानगर सभी मंडलों से अधिक संख्या व पार्षद को भी कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों को प्रत्येक वर्ष से अधिक संख्या में रैली में भव्य ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई गई है। बैठक में महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा, रमेश प्रताप गुप्ता, सुरेश मणि मिश्रा, रणविजय शाही, वीरेंद्र पांडे, महानगर मंत्री अवधेश अग्रहरी, अनुपम पांडे, शिवम पांडे, अशोक गुप्ता, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, मुख्यमंत्री जी 3:30 बजे दिग्विजयनाथ पार्क एक विशाल लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम विकास कार्यों का करने वाले हैं। उसी की दृष्टि से हम सभी आज यहाँ बैठे हैं। कल रात्रि में सूचना आई है, हम सभी एक बार कल बैठे में महामंत्रियों के साथ और पदाधिकारियों के साथ बैठे थे, लेकिन हमने सोचे एक बार अपने मंडल अध्यक्ष एवं मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठ के बातचीत कर लिया जाए, कल की योजना रचना बनाई जाए कि कल हम कैसे अधिक से अधिक संख्या में वहां पर महंत दिग्विजयनाथ पार्क जो सर्किट हाउस के बगल में वहां एक बार जो हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे महानगर के पदाधिकारी जिस मंडल में रहते हैं उस मंडल में एक बार कोऑर्डिनेट करके मंडल अध्यक्षों से बातचीत करके मंडल अध्यक्ष अपने शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और जो मंडल में हमारी बूथ समिति है उन सबको सूचना करके जो भी अपनी बूथ समिति का कार्यकर्ता हो या उस मंडल में जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हो सबको सूचना करके पार्षदों को सूचना करके ताकि हर मंडल से हमारी जो दूर के मंडल है कम से कम 500 की संख्या आवे और जो नजदीक के कार्यक्रम स्थल के सराउंडिंग जो मंडल हैं या अगल बगल के जो वार्ड हैं उनको केंद्रित करके वहां से 1000-1000 की संख्या आवे, क्योंकि पहला कार्यक्रम चुनाव के बाद लोकार्पण और शिलान्यास, क्योंकि हमको पिछले पाँच साल में बहुत कुछ मिला गोरखपुर को। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आते थे एक बड़ी सौगात गोरखपुर को देके जाते थे, इसके लिए योजना रचना के लिए हम सभी आज यहाँ बैठे। बड़ी बात यह मुख्य उद्देश्य आज की बैठक का ये है, वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे समय 3:30 बजे सूचना हम 3:30 की देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 या 4:15 भी कार्यकर्ता जाने लगे, इसलिए 3:30 की सूचना करेंगे। कुछ लोग अपने तरफ से 3 या 2:30 की सूचना न करें, निवेदन है कि 3:30 की सूचना करें। बताइए देखो भाई कई बात उसके अलावा ओम प्रकाश जी सभी पार्षदों से बातचीत कर रहे हैं ताकि सभी पार्षद अपने संख्या लेके आवे, जो दूर के पार्षद हैं वो 25-50 लोगों को लेके आवे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर महानगर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम आयोजित है, उसी के संदर्भ में आज हम सभी महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक हो रही है कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में उस विशाल लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता और आम नागरिक कैसे उपस्थित हों, उसी की योजना रचना के लिए आज हम सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक चल रही है। क्या निर्देश दिए गए? सभी मंडलों को लक्ष्य दिया गया है कि कितनी कितनी संख्या में आवेंगे। हमारे जो माननीय पार्षद हैं उनसे भी बातचीत हो रही है कि उनके वो भी अपने अपने वार्डों में संख्या लेकर उस कार्यक्रम में पहुँचें।